गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने आप लोगों के साथ की जब ये वाला प्रोजेक्ट शेयर किया था मेरा मॉस वाला, तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया और मैंने उसमें शेयर किया था कि मैं आपको बता दूंगी कि आप कहाँ से ला सकते हैं। तो देखिए, आपको कोई भी ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर नमी रहती हो, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपीयर होती हुई दिख जाएगी। वो आपके गार्डन ही होगा बेस्ट, अगर आप मेरी तरीके से गार्डनिंग कर रहे हैं, निराई गुड़ाई नहीं करते हैं तो आपके डेफिनेटली आप अपने गमलों में देखिएगा, आपको मिल जाएगी। अभी मैं उदाहरण दिखाऊंगी अपने गार्डन में कितनी सारी जगह पर है ये, क्या फिर बस आप थोड़े दिनों का वेट करेंगे। आने वाले सीज़न में जब बारिश का मौसम शुरू होगा तो कहीं ना कहीं आपके गमलों में ये ज़रूर अपीयर होना शुरू होगी। ये देखिए, ये तो मैंने बनाए हैं क्योंकि इनको मैंने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने घर पर ही इनको तैयार किया, छोटे छोटे से मॉस के टुकड़े लगा लगा कर। ये देखिए, ये पॉट आपको याद होगा जो मेरा टूट गया था और मैंने इसके अंदर ऊपर जड़ लगाया था, फिर ये सकुलेंट की वैरायटी लगा दी थी और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मॉस लगाई थी। अभी आप देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा जो है ग्रीन मॉस से कवर हो गया है और देखिए इसके पॉट के ऊपर भी मॉस जो है अपीयर होना शुरू हो गई है। ये होता काई का ही फॉर्म है लेकिन इसके अंदर लीव्स होती हैं छोटी छोटी। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल मखमल जैसी होती है। अगर आप इसको टच करेंगे ना तो जैसे शनील या मखमल जिसे बोलते हैं ना, उसकी तरह आपको महसूस होगा। अभी देखिए, मेरे पॉट में एक मटकी रखी हुई है, मटकी के ऊपर जो मैं सूत वाला नाड़ा लगाती हूँ ना, देखिए उसके ऊपर भी ये, क्योंकि इसको मैं टच नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, तो और एवरी टाइम इसमें पानी रहता है, तो देखिए यहाँ पर अपीयर हो गई है ये। और ये देखिए, मेरा एक पॉट है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कई सारी वैरायटी के पौधे लगे हुए हैं, इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बैक साइड में इसमें भी खूब सारी जगह पर आ गई है। अब करना क्या होता है, आप अपने वॉच करेंगे या तो आप ऐसी किसी जगह से लेकर आएंगे, कहीं पार्क से या कहीं पर भी मॉइस्चर रहता हो वहाँ आपको दिख जाएगी, नहीं तो आप अपने आने वाले टाइम में गार्डन में ही देखेंगे, आपको डेफिनेटली मिलेगी। और उसके बाद इसको करना कैसे, देखिए मैंने दो तरीके से किया है। ये देख रहे हैं ये जो मटकी, ये तीनों जो हैं ये मटकी हैं, मटकी का नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना जिसमें होल नहीं है, इन तीनों में से किसी में भी होल नहीं है। ये देखिए, ये देखिए और इसमें भी देखिए, लेकिन मैंने इसके अंदर चिकनी मिट्टी भरी और इसको हमेशा इसको पानी से मैं भर कर रखती हूँ। अभी मैंने इसका पानी फैला दिया है, गंदा हो गया था, तो इसके इसको मैं पानी भर के रखती हूँ जिससे कि ये जो मिट्टी का पॉट है, जो भी ये पात्र छोटा सा लिया हुआ है मैंने, ये हमेशा मॉइस्ट रहता है और इसके ऊपर जितना भी मिट्टी है वो गीली रहती है और ये हमेशा ही ग्रीन और डेवलप रहती है। देखिए इतने टेम्परेचर में भी, और टेरेस पर ही रखा हुआ है, हाँ लेकिन टेरेस पर मैंने पेड़ों की छाँव में रखा हुआ है। और ये तो आपको पता ही है खंगर पे लगा हुआ है। ये देखिए, एक पॉट में डेवलप की थी, इसमें अम्ब्रेला पाम निकल आए हैं, अब इसको मैं दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और ये है कोकोनट शेल, इनके अंदर भी होल्स नहीं है तो इनको भी मेरे को हल्का सा टेढ़ा करके रखना पड़ता है जिससे कि ये पानी लेते रहें हल्का हल्का और ग्रीन रहें। ये उस दिन आपके साथ शेयर किया था, मटकी के दो टुकड़े हो गए थे, तो देखिए इन दोनों में मैंने होल किया है। अब देखिए करना क्या है, सिंपल सा, ये देखिए मेरे मटकी का ढक्कन है जो मटकी के साथ आते हैं, अब इसमें होल हुआ आया था अपने आप, मैंने नहीं किया है। अब इसको मैं ढक दूंगी जिससे कि जो मिट्टी मैं डालूंगी इसके ऊपर वो निकल ना जाए। ये है लकड़ी के बार्क जो मॉइस्ट रहेंगे एवरी टाइम, ये नहीं है तो आप ईंट के छोटे छोटे या दिए के छोटे छोटे टुकड़े रख सकते हैं। इसके अंदर हमें ऐसी ही चीज़ें डालनी हैं जो कि मॉइस्चर को होल्ड करके रखें। और देखिए मिट्टी भी मैंने बिल्कुल चिकनी वाली ली है जो कि हाथ पर बिल्कुल देखिए चिपक जाती है। और बस अब इसके ऊपर मैं ये मिट्टी जो है बहुत अच्छे से सेट कर दूंगी। और मिट्टी का बर्तन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कोकोनट शेल ले लीजिएगा, आप प्लास्टिक भी ले सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर इसमें भी प्लास्टिक में ही जनरेट हुई है, इसमें भी ये प्लास्टिक का ही कप है, दही का कप है, इसके अंदर बहुत अच्छे से डेवलप हुई है, बस इसको मॉइस्चर को होल्ड रखे एवरी टाइम। ये देखिए मैंने अच्छे से इस पर मिट्टी सेट कर ली है, अब मैं जो भी जिस जगह से मुझे मॉस निकाल के लानी है वो मैं शेयर करती हूँ कहाँ कहाँ से मैं ले रही हूँ। देखिए ये है मेरा मेन कंटेनर जिसमें से मुझे ये मिलती है, ये है मेरा जिसमें अम्ब्रेला पाम ही उगाया था। और ये देखिए कितनी सारी इसके अंदर मॉस है, एवरी टाइम इस टब में पानी भरा रहता है और आप देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत से मॉस डेवलप हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं, बस इस पर से पूरी एक लेयर ले लूँगी और साथ में इसके भी दर्शन कर लीजिए। देखिए आ गई मैडम फिर पॉलिनेशन करने के लिए। तो देखिए मैंने ये ले लिया है, अब इसको कैसे सेट करना है मैं बताती हूँ। आप इन टुकड़ों को है ना इसके ऊपर चिपकाते हुए चले जाएंगे और इतना नहीं मिलता ना आपको, अगर छोटा सा पीस भी मिल जाता ना इसका सफिशिएंट है, ये अपने आप पूरे में डेवलप हो जाएगी। मेरे पास तो है तो मैं लगा दे रही हूँ।
बस जी देखिए हो गया अपना काम, मैंने पूरे पे लगा दिया है। ये जो बीच बीच में जगह रह गई है ना, ये अपने आप में सारी जगह को कवर कर लेगी। अब इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट उग रहे हैं, ये हैं अम्ब्रेला पाम के। इनको मैं सबको निकाल दूंगी क्योंकि मुझे इसमें अम्ब्रेला पाम नहीं चाहिए। और इसके अंदर लगा दिए हैं मैंने ये छोटी छोटी सी पॉलकट रूट की कटिंग, जो कि मेरी अभी ख़राब हो रही है दूसरे पॉट में, तो आई होप इसमें चल जाएँ ये। जैसे इसके अंदर ये वाइट वाला डेवलप होना शुरू हो गया है, या फिर आप और भी प्लांट लगा सकते हैं। जैसे देखिए इसमें लाल सा लगा हुआ है, ये जेड प्लांट लगा हुआ है, उधर आप देख रहे हैं स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है, और ये तो है ही मेरा खूबसूरत जेड प्लांट विद खंगर। और ये देखिए मैंने इधर ये पत्थर पे डेवलप किया है, पत्थर पूरा कवर हो गया है, दूसरा पत्थर भी कवर होने लगा है, और इधर लगा दिया है ये स्पाइडर प्लांट। बस पानी का ध्यान रखिए, मॉइस्चर एवरी टाइम मेंटेन रहे, बाकी का सारा काम कुदरत खुद करेगी। और ये देखिए कुछ इस तरीके का इसका फाइनल लुक है। आगे इसमें मैं क्या करूँगी वो मैं आगे शेयर करूँगी, एक बार से ये इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाए। और इस जो भी ये मिट्टी का प्लेट लिया है इसको मैं ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर इसको धूप बिल्कुल भी ना मिले, अभी शेड में रखूँगी, पेड़ों की छांव में। देखिए टेरेस पर ही रहते हैं मेरे सारे प्लांट, लेकिन हाँ इसके नीचे हल्का सा मैं पानी भर के रखूँगी जिससे कि ये मिट्टी जो है बिल्कुल ड्राई ना हो, क्योंकि ड्राई हो गई तो ये अपीयर नहीं होगी और ये जो कटिंग लगाई है ये भी मेरी सेट नहीं हो पाएंगी। तो अभी मैंने ये एक छोटा सा प्लेट लिया है जो थोड़ी सी गहरी है, पर मुझे इतनी गहरी नहीं लेनी थी, बट अभी कुछ है नहीं मेरे पास, तो बस इस प्लेट को मैं इसके नीचे रखूँगी। देखिए जैसे ये भरी हुई है ये रख दिया, और सिर्फ ये इससे हल्का सा टच हो रही है, यानी कि हल्का सा जो पानी है वो इसके अंदर आ रहा है। बहुत ज़्यादा पानी मत भरिएगा, बहुत ज़्यादा पानी में भी आपकी कटिंग सेट नहीं होंगी, गल जाएंगी। बस इतना पानी कि वो आपकी प्लेट को टच करता रहे और ये आपकी प्लेट जो है मॉइस्ट होती रहे। और बड़ी प्लेट भी ले सकते हैं, अभी जैसे मेरे पास छोटी है, बड़ी प्लेट में आपको दिखता रहेगा पानी, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और इस पर पानी स्प्रे करते रहेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। गार्डन में वॉच करते रहिए, जगहों को देखते रहिए, घर से निकलते रहें तो आँखों को खोल कर रखिए कहाँ पर क्या चीज़ है, एक गार्डनर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और यकीन मानिए इतनी तेज़ गर्मी में, इतने हाई टेम्परेचर में भी आप इस वाली चीज़ को अपने घर में उगा सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में काम ले सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर करूँगी, अभी तो नहीं है इतना टाइम मेरे पास। ये जितने भी मेरे जेड प्लांट हैं ना, इन सबको इसी तरीके से मैं लगाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी कैसे किस तरीके से करना है। तो बने रहिएगा चैनल पर और ट्राई करके देखिएगा ये वाले मेथड, मैं गारंटी दे रही हूँ आप ज़रूर कामयाब होंगे और आपके गार्डन में भी जी छोटे छोटे से इस तरीके के मिनी जंगल तैयार होंगे, जो कि बिल्कुल जंगल वाली फील देते हैं। कि ये मॉस वगैरह जो होती है ना, बहुत मॉइस्चर जहाँ पर रहता है वहाँ पर ये होती है, आपके गार्डन में भी डेफिनेटली होगी। तो ये है मेरे आइडियाज़, आई होप आपको पसंद आते होंगे। देखिए कम से कम 55,000 लोग पेज पर जुड़ चुके हैं, उसमें से 5% भी अगर शेयरिंग करें ना, तो और लोगों तक भी ये मेथड कि विदाउट केमिकल हम बहुत अच्छे से अपना जंगल डेवलप कर सकते हैं, हर एक पौधा उगा सकते हैं। तो शेयरिंग ज़रूर करा करिए, क्योंकि आपका एक शेयर है जो और लोगों तक मेरे मैसेज को पहुंचा सकता है। और आप लोग अगर एंजॉय कर रहे हैं मेरे गार्डनिंग स्टाइल को, तो प्लीज़ बने रहिएगा चैनल पर। पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।